हेलो गाइस, दिस इज तुबा फ्रॉम एम क्लब हेयर मेकअप एंड ब्यूटी एकेडमी। जैसे अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे, समझ लेंगे, थोड़ी सी हेयर से नॉलेज ले लेंगे हेयर की, तो आपको क्लाइंट कंसल्टेशन में बहुत मदद मिलेगी। बाल जो हमारे होते हैं, उनका जो शेप होती है वो चार तरीके की शेप होती है: स्ट्रेट, बेबी, कर्ली और किंकी। इस तरीके की आप देख रहे हैं, स्ट्रेट में भी तीन पैटर्न्स हैं, बेबी में भी तीन पैटर्न्स हैं, कर्ली में भी तीन पैटर्न्स हैं और किंकी में भी तीन पैटर्न्स हैं। अच्छे से देखिए और समझ लीजिए कि हमारे जो बाल होते हैं स्ट्रेट, बेबी, कर्ली या किंकी टाइप के होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी हेयर ड्रेसिंग लाइन में होता है पोरोसिटी। पोरोसिटी मतलब एब्जॉर्बनेस पावर ऑफ हेयर। मतलब क्या होता है, एक बाल, हिंदी में बता रही हूँ, एक बाल हमारा कितना पानी एब्जॉर्ब करता है या मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, या जो आप प्रोडक्ट लगा रहे हो वो कितना एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, इसको बोलते हैं पोरोसिटी। अब ये जो पोरोसिटी है ये भी पांच तरीके की होती है। सबसे पहले वेरी रेसिस्ट है। वेरी रेसिस्ट मतलब बहुत ज़िद्दी बाल। ऐसे ज़िद्दी बालों पे काम, जो रिज़ल्ट है आपका स्मूथनिंग का, आने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। बाल जितना ज़िद्दी है उतना ही स्ट्रांग होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा दूसरा रेसिस्ट, उससे थोड़ा सा कम स्ट्रांग, लेकिन टाइम उतना ही लेगा पूरा स्मूथनिंग में, इसको ज़्यादा हल्के में मत लेना। चलिए अब आता है हमारा तीसरा, नॉर्मल बोलो, एवरेज बोलो, मीडियम बोलो, बात एक ही है, तीनों का मतलब एक ही है। एवरेज होती है, मीडियम होती है, नॉर्मल होती है पोरोसिटी। ना प्रोडक्ट जल्दी जाएगा, पेनिट्रेट होगा, और ना ही एकदम धीरे धीरे जाएगा, मीडियम एवरेज में जाएगा, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी, ठीक है, पोरस हेयर में क्या होता है, वो ज़्यादा ज़िद्दी नहीं होता। क्यों ज़िद्दी नहीं होता, क्योंकि उसका क्यूटिकल डैमेज होता है यार। पोरस हेयर में हमेशा क्यूटिकल डैमेज मिलेगा आपको 100%। वो बहुत जल्दी क्रीम एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। जितना जल्दी क्रीम एब्जॉर्ब करेगा स्मूथनिंग की, या कोई भी प्रोडक्ट आप लगा रहे हो, उतना जल्दी रिजल्ट आएगा उसके। फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ पे क्या है हमारा, वेरी पोरस। वेरी पोरस में रिजल्ट इतनी जल्दी आता है स्मूथनिंग का कि भैया क्रीम लगाई नहीं, एप्लीकेशन करी नहीं कि रिजल्ट आ जाता है नीचे वाले बालों पे। इसलिए बड़े ध्यान से इस पे आपने काम करना है। चुके हैं कि पोरस, वेरी पोरस, एवरेज, रेसिस्ट, वेरी रेसिस्ट क्या होता है, तो आप क्लाइंट के सामने ऐसे भी बात कर सकते हैं, मैडम आपके बाल ना, हेयर जो है आपके थोड़े पोरस है, आप चाहो तो इनको हेयर स्पा से अभी रिपेयर कर लीजिए, वरना आगे जाके आपको केराटिन की नीड पड़ जाएगी, बालों का क्यूटिकल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, इसलिए आप अभी से केयर करना स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा लगा ना सुनने में, क्लाइंट को भी लगेगा कि वाह मैडम को तो बड़ी नॉलेज है यार, ठीक है मैडम कर दो जी मेरे हेयर स्पा। करना चाहते हैं तो एक ग्लास में पानी लीजिए, अपना बाल लीजिए और उसको डाल दीजिए पानी में, ठीक है। फिर आप देखिए, अगर आपका बाल ऊपर तैर रहा है, पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है, वो तैर रहा है, इसका मतलब हेल्दी हेयर है, बढ़िया चम्पी उम्पी करते हो। अगर आपका बाल मीडियम में आ गया, पानी के थोड़ा सा नीचे चला गया, इसका मतलब क्या है, आपकी पोरोसिटी जो है एवरेज है, मीडियम है, ठीक है। अगर आपका बाल एकदम ही नीचे बैठ गया है ग्लास के, एकदम ही डाउन हो गया है वो, तो इसका मतलब बहुत हाई है। बालों को ठीक कीजिए वरना ख़राब हो जाएंगे। अभी 500 रुपये लगेंगे हेयर स्पा में, फिर 5000 लगेंगे कैराटीन कराओ, फिर उसके रेगुलर हेयर स्पा लेते रहो। तो ध्यान दीजिए, जब भी आप शैम्पू करते हैं, शैम्पू के बाद आप कंडीशनर कीजिए, कंडीशनर करने के बाद जब आप आ जाते हैं रिंस आउट करके, तब गीले बालों में, वेट हेयर में सिरम लगाइए, जिससे क्यूटिकल 100% लॉक हो जाए। जब हमारा क्यूटिकल 100% लॉक हो जाएगा तो बाल डैमेज ही नहीं होगी। वीडियोज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करिए वीडियो, ताकि दूसरों को भी ज्ञान मिले। अकेले ज्ञान नहीं लेते, मुझे ज्ञान था, मैंने आपको दिया, अब आप भी आगे दीजिए मेरी वीडियो शेयर करके।